अनूठा कर्ण का रण आज होगा, अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा। करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छीटों से थमा है, चले वे बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूंगा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाजिर हूँ एक खास शो के साथ जिसका नाम है पोएट्री नेस्ट, यानी कविताओं का घोंसला। और आज जो कविता आपके बीच में लेकर के आया हूँ वो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इसे लिखा है हमारे देश के अपने राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य यानी रश्मि रथी, और रश्मि रथी का ये एक छोटा सा अंश आपके बीच में लेकर के आया हूं, तो आनंद उठाइए रश्मि रथी के इस अंश का। तो दृश्य कुछ इस प्रकार है कि महाभारत का रण चल रहा है, कौरव और पांडव दोनों आमने सामने। कृष्ण की लीला अपने चरम पे है, कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं और कौरवों की तरफ से एक एक करके लोगों का वध हो रहा है। कर्ण जो महाभारत में एक प्रमुख भूमिका में है, एक नायक की भूमिका में, कर्ण परेशान है। अब कर्ण क्यों परेशान है, उसके पीछे का भी एक कारण है। कृष्ण लीला चल रहे हैं और कर्ण को समझ नहीं आ रहा है कि इस लीला का उत्तर कैसे देना है। पिछले दिनों द्रोण का वध हो गया इस रण में, यानी कौरव लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब इस समय कर्ण की मनोदशा क्या है, उसको समझने का प्रयास करिए रश्मि रथी के इस अंश से, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के दृष्टिकोण से। समझ में कुछ ना आता, समझ में कुछ ना आता, कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, समझ में कुछ ना आता, कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं, हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। समझ में कुछ ना आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं, हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता, यही धर्मिष्ठता नैनीत का पालन यही है, यही धर्मिष्ठता नैनीत का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का शालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहें, करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है, चले वे बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूंगा। चले वे बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूंगा, न तो उनको ना होकर जिह्म अपने को छलूंगा, डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण की बाद वाली जिंदगी को, बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर, नहीं राधे सतपथ छोड़कर अघ ओक लेगा, नहीं राधे सतपथ छोड़कर अघ ओक लेगा, विजय पाए ना पाए रश्मियों को लोक लेगा, विजय गुरु कृष्ण हो, विजय गुरु कृष्ण हो, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, असी से देह कोवे मैं निरंतर प्राण का हूँ,
असी से देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूं। जगी बलिदान की पावन शिखाओ, जगी बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। जगी बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, समर में ध्वंस फटने जा रहा है। महीमंडल उलटने जा रहा है, महीमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, अनूठा कर्ण का रण आज होगा। जगत को काल दर्शन आज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा। वेद्वापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़ कर तरकश चलेगा, विशिख जब छोड़ कर तरकश चलेगा। नहीं गोविंद का भी बस चलेगा, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से। जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, बड़ा आनंद उर में छा रहा है। लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, हुआ रोमांच यह सारे बदन में। उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा आहा भावस्त होता जा रहा हूँ। जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बजाओ बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। ये एक छोटा सा अंश जो मैं आपके सामने पढ़ा, ये महाकाव्य रश्मिरथी का अंश है, जिसे लिखा है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। रामधारी सिंह दिनकर जी, ये महाकाव्य, और इसे पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा काव्य पाठ, या यूं कहें महाकाव्य का छोटा सा अंश पसंद आया होगा। बहुत जल्द ही इसके और भी अंशों के साथ हम आपके बीच में हाजिर होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कविता हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो लिख भेजिए हमें vijaysinghstudio@gmail.com पे। जल्दी मिलेंगे किसी नई कविता के लिए। तब तक के लिए विजय सिंह स्टूडियो की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।